हेलो स्टूडेंट्स, आई राहुल वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या। आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया कि कैसे रेजिस्टेंस को सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया जाता है और कैसे आप एलिमिनेशन मेथड से सिर्फ एक सेकंड में बता सकते हैं कि इक्विवेलेंट सीरीज़ में कितना हो सकता है और इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना हो सकता है। उसी का ही थोड़ा सा आगे और पार्ट है जिसको आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पर किस तरह से आगे क्वेश्चंस को किया जाता है। देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब हम सीरीज़ वाले की बात कर रहे थे, सीरीज़ वाले कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हमारे पास R1 था और ये R2 था, तो इसका कॉम्बिनेशन जो आता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, दैट इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2। दैट इज़ वेरी सिंपल। बट अगर ये अलग अलग आपके पास रेजिस्टेंस हैं तो आप इनको सिंपल ऐड कर देते हैं। बट अगर ये आपके पास इक्वल भी हो जाएं तो आप इनको आपस में ये क्या कर सकते हैं, R इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ R1, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो जस्ट डबल हो जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपके पास कितने थे, 1, 2। अगर रेजिस्टेंस हमारे पास 3 हो जाएं और ये सब इक्वल हों, तो यहाँ पर ये इसमें एक और R3 ऐड हो जाएगा और ये R1 क्या है, इक्विवेलेंट है R1 के, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि आपके पास अगर इक्वल रेजिस्टेंस है किसी भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो जितने रेजिस्टेंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप उन रेजिस्टेंस को उतने ही नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके, उनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं। दैट इज़ द सिंपल थिंग। बट जब हम बात करते हैं पैरेलल सर्किट की, देखिए, जब पैरेलल सर्किट की बात करते हैं तो हमारे पास दो अलग अलग रेजिस्टेंस हैं जिनका वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करते थे हम, R इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 से। ये वैल्यू हमारे पास R1 थी, ये वैल्यू R2 थी। अब हम ये कंसीडर करते हैं ये वैल्यूज हमारे पास इक्वल हैं, सपोज ये 2 है और ये भी 2 है, यहां पर एक बैटरी लगी हुई है। अब इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करके देखते हैं, 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 इक्वल्स टू 4/4 इज इक्वल टू 1। यानी कि आपके पास जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन 2 और 2 का था, इक्वल रेजिस्टेंस थे, तो उनका जो कॉम्बिनेशन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, वो 2 से 1 हो गया है। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये वैल्यू है, ये 10 है और ये भी 10 है। हम इसको देखते हैं, इसी फॉर्मूले में रखते हैं, 10 × 10 डिवाइड बाई 10 + 10, 10 × 10 = 100 डिवाइड बाई 10 × 10 = 20, 25 × 100। तो आपने यहाँ देखा, जब आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था 2 और 2 का कॉम्बिनेशन पैरेलल में जो है, 2 और 2 का कॉम्बिनेशन क्या आता है, 1, 10 और 10 का कितना आया, 5। इसी का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई और भी कैसा भी रेजिस्टेंस आ जाए, अगर वो इक्वल वैल्यू के हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आपको सिंपल उनको आधा कर देना होता है। इट मींस अगर आपके पास अवेलेबल है 1000 ओम, 1000 ओम, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, तो इसका सिंपल आ जाएगा 500 ओम। बहुत आसानी से आप इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने, जब हम सीरीज सर्किट की बात कर रहे थे, तो हम जब 2 रेजिस्टेंसेस थे आपके पास, तब आपने डिवाइड किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया 2 से, 3 रेजिस्टेंस थे तो मल्टीप्लाई किया 3 से। ऐसे ही अगर
कॉम्बिनेशन आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में ब्रांचेस की वैल्यूज अगर बढ़ती हैं, ब्रांचेस की नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाती हैं, तो आप नंबर ऑफ ब्रांचेस के अकॉर्डिंगली उस रेजिस्टेंस को उसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं। चलिए इसको थोड़ा आगे देखते हैं। सपोज हमारे पास ये दो ब्रांचेस थी जिसमें 1000 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट मिलता है हमें 500 ओम। हम यहाँ पर लगा लेते हैं 2000 ओम का रेजिस्टेंस लगा लेते हैं और ब्रांचेस कर लेते हैं, चार ब्रांच कर लेते हैं, तो आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, 1/2000 1/2000 इस तरह से आप निकालेंगे। बट उस फॉर्मूले से अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए बहुत लंबी कैलकुलेशन आ जाएगी और जो कि आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा एग्जाम के अंदर और आपका टाइम भी काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। तो आप सिंपल करना ये है, इस 2000 को नंबर ऑफ ब्रांचेस से डिवाइड कर देना होता है। तो 2000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रांचेस 1, 2, 3 एंड 4, तो ये डिवाइड करके कितना आता है, 500 ओम। तो आप इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ 1 सेकंड का टाइम आपको लगेगा। तो आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस अप्रोच को लेकर चलेंगे तो आप 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ऑस्टेड, ऑस्टेड उनको बुलाया जाता है। ऑस्टेड ने एक प्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक कंडक्टर मतलब सिंपल वायर, किसी भी कॉपर की या फिर और कोई कंडक्टर था, उसमें करंट फ्लो कराया। करंट फ्लो कराने पर उन्होंने यहाँ पर कंडक्टर के पास में एक कंपास रखी, निडल रखी, जो हमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताती है या फिर मैग्नेटिक फील्ड बताती है कि यहाँ पर अवेलेबल है। तो उन्होंने जब मैग्नेटिक फील्ड के पास में कंपास रखी तो किसी एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक निडल स्टेशनरी हो गई और फिर उन्होंने देखा कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो यहाँ पर जो निडल जिस डायरेक्शन में रुकी थी वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो उन्होंने ये बताया, अगर किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास, उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ बातें उन्होंने बताई, वो कुछ इस तरह से हैं। नंबर वन हमारे पास है, जब किसी कंडक्टर में, सपोज ये तो हमने हॉरिजॉन्टल कंसीडर किया है, इसको अगर हम वर्टिकल कंसीडर कर लेते हैं तो वर्टिकल कंसीडर करने पर करंट की डायरेक्शन सपोज नीचे की साइड मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास फ्लक्स लाइनें होंगी वो किस तरह से होंगी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइनें होंगी वो किस तरह से होंगी। यहाँ पर अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो जो फ्लक्स लाइनें हैं वो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। यानी कि हमारे पास पहला पॉइंट ये है कि अगर हम कोई एक वर्टिकुलर कंडक्टर सपोज कर लेते हैं तो हमारे पास फ्लक्स लाइनें जो होती हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर होती हैं। यानी कि इफ करंट इन कंडक्टर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन then line of flux will be clockwise. second point हमारे पास है, अगर यहां पर हम magnetic field का strength देखना चाहते हैं तो कैसे होता है, देखिए यहां पर current flow रही है conductor में, तो इससे डिस्टेंस बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होते जाता है। इसका मतलब यह है लाइन ऑफ फ्लक्सेस जो हैं वो कंडक्टर के पास में बहुत घनी घनी होती हैं यानी कि बहुत ज़्यादा डेंस होती हैं। अब
कंडक्टर के पास में डेंस होंगी और जितना दूर होते चले जाएंगे उतनी लाइन ऑफ फ्लक्सेस आपस में एक दूसरे से स्पेसिंग में होंगी, एक दूसरे से दूरी पर होती हैं। तो यहां पर क्या होगा, लाइन ऑफ फ्लक्स आर डेंस नियर द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के पास ये जो लाइन ऑफ फ्लक्सेस होती हैं वो डेंस होती हैं और इससे दूर हटने पर क्या होती हैं, कम होती चली जाती हैं, स्पेसिंग उनकी बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इसको दिखा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तो होगा, जितनी दूरी तक जा सकते हैं, पास में आएंगे तो डेंस होंगी और दूर जाएंगे तो वो रेयर होती चली जाती हैं, बहुत उसमें स्पेसिंग बढ़ती चली जाती है, यानी कि उसका मैग्नेटिक फील्ड घटता चला जाता है, यहाँ पर बहुत अधिक होता है और जितना दूर जाओगे उतना कम होता जाता है। तीसरे नंबर का पॉइंट हमारे पास है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, यानी कि करंट की डायरेक्शन अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन कर देंगे तो अभी पहले ये क्या था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था फ्लक्स, और अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि लाइन ऑफ फ्लक्सेस की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ करंट पर, यानी कि डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फ्लक्सेस डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर। कंडक्टर में करंट जिस डायरेक्शन में होगी उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास लाइन ऑफ फ्लक्सेस की डायरेक्शन भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो ये है कि जब हम बात करते हैं इसकी डेंसिटी की, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर लेते हैं ये यहाँ तक का है हमारे पास, यानी कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक का है, यानी कि इसके यहाँ तक इतनी दूरी तक ये इसका प्रभाव है, यानी कि इसका क्षेत्र है, तो इसकी जो डेंसिटी होती है और भी बढ़ सकती है अगर ये करंट की डेंसिटी और बढ़ा दी जाए, यानी कि करंट जितनी स्ट्रेंथ वाली होगी उतना ही इसका एरिया भी बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ भी, फील्ड की भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, यानी कि द स्ट्रेंथ ऑफ फ्लक्स डेंसिटी डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ करंट इन द कंडक्टर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं आगे बहुत सारे लॉज आपको पढ़ाए जाएंगे, जो वो सब इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरा ये है कि मशीन आगे बढ़ेंगे आप आगे बहुत सारी करंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है, फ्लक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, करंट की डायरेक्शन निकालनी पड़ती है, फ्लक्स की डायरेक्शन निकालनी पड़ती है, वो सब इसी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट की जाती हैं। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए जब आपके पास कंडक्टर हॉरिजॉन्टल कंडीशन में होता है तब आप उसमें करंट की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। सपोज कंडक्टर इस तरह से प्लेस्ड है तो आप करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है या इस डायरेक्शन में जा रही है आप आराम से उसको समझ सकते हैं। बट जब हम इसको पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो पेपर पर ड्रॉ करने की कंडीशन में हम ये ले सकते हैं कि पेपर में करंट कहाँ पर है। अगर वो अंदर की डायरेक्शन में जा रही है, सपोज कंडक्टर हमारे पास इस तरह से प्लेस्ड है, तो अब आपको करंट की डायरेक्शन या तो इससे अंदर की तरफ जाते हुए मालूम होगी या फिर इससे बाहर की तरफ, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अगर ये होता है डॉट, अगर ये होता है डॉट, तो डॉट की कंडीशन ऐसी होती है कि डॉट में करंट ऊपर को मानी जाती है, यानी कि पेज से बाहर निकलते हुए मानी जाती है। तो अगर कहीं पर डॉट प्लेस्ड है इसका मतलब यह है कि कंडक्टर इस तरह से रखा हुआ है और उसके अंदर करंट जो है वो अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। और अगर यहाँ पर कोई क्रॉस होता है तो क्रॉस का सेंस ये होता है कि कंडक्टर इस तरह से प्लेस है और यहाँ से करंट इस तरफ से एंटर कर रही है और उस तरफ से बाहर निकल रही है, यानी कि पेज की तरफ अंदर की और
करंट की डायरेक्शन है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रूल आता है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई भी कंडक्टर जो है वो इस तरह से है। अब इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है इस तरह से, ठीक है। तो आपको इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो फ्लक्स है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए फ्लक्स की डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत क्यों होती है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास कोई भी जो मैग्नेट होती है उस मैग्नेट में दो पोल होते हैं N और S। हमेशा जो फ्लक्स लाइन है वो N से S की तरफ जाती हैं बाहर हवा में, और उसके अंदर से वो N S से N की ओर आती हैं। तो इस तरह से ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्सेस ड्रॉ की जाती हैं। तो हमें यहाँ पर भी लाइन ऑफ फ्लक्सेस की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना होता है। उसके लिए हमारे पास जो नियम बनाया गया है उसे हम कहते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है, देखिए इसको किसी और नाम से भी बुलाया जाता है, बट आप एक ही चीज़ को याद रखेंगे तो ही अच्छे से उसे समझ पाएंगे। देखिए इसके ऊपर स्क्रू रूल भी बना हुआ है, स्क्रू मतलब पेंच का नियम भी बना हुआ है, पर पेंच के नियम को ही आप दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। तो आपको सिंपल दाएं हाथ के अंगूठे का नियम याद रखना है। स्क्रू रूल जो होता है वो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ही होता है, बट आप दाएं हाथ के अंगूठे का नियम याद रखेंगे। तो ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है कि अगर हम किसी चालक को अपने दाएं हाथ में इस तरह पकड़ें कि जो अंगूठा है वो किसकी दिशा में रहे, चालक में धारा की दिशा में रहे, तो हमारे पास ये जो मुड़ी हुई उंगलियां होती है, जैसे हमने इसको ग्रिप किया हुआ है, तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं वो किसको दिखाएंगी, लाइन ऑफ फ्लक्सेस की डायरेक्शन को शो करती हैं। यानी कि क्या कहता है ये रूल, अगर हम चालक को अपने दाएं हाथ में इस तरह पकड़ें कि धारा की दिशा में अंगूठा रहे, तो मुड़ी हुई उंगलियां लाइन ऑफ फ्लक्सेस को प्रदर्शित करती हैं, दर्शाती हैं। तो इंग्लिश में कैसे डिफाइन करते हैं इसको, इफ वी होल्ड द कंडक्टर इन सच अ वे दैट द थंब रिमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर देन द फोल्डेड फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आप सिंपल इस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन को आप याद रखिएगा, सिंपल हिंदी में, इंग्लिश में आप किसी भी तरह से जिस तरह से याद रखना चाहें उस तरह से रख सकते हैं। सो इस तरह से आप राइट हैंड थंब रूल को डिफाइन करते हैं। देखिए अब इसका हमें बेनिफिट क्या होता है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या आवश्यकता थी इसको फाइंड आउट करने की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ कंडक्टर लिया है ऐसे, अब इसको थोड़ा वापस वर्टिकल कंडीशन में ले लेते हैं। लाइन ऑफ फ्लक्सेस हर जगह पर होंगी, लाइन ऑफ फ्लक्सेस हर जगह पर होंगी। तो सपोज कर लेते हैं ये करंट की डायरेक्शन, सपोज ऊपर की डायरेक्शन मान लेते हैं। अब ऊपर की डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन में हमारे पास लाइन ऑफ फ्लक्सेस ऐसे होंगी, ये। अब इस सिंपल जो कंडक्टर है हम इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे फोल्ड करके एक रिंग बना लेते हैं, इसको फोल्ड करके हम एक रिंग बना लेते हैं, ठीक है। अब जो कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन थी, हम इसको दिखाने के लिए यहाँ से करंट चल रही थी और ये यहाँ से जाके वापस इस तरफ आएगी, तो ये ऐसे करके करंट की डायरेक्शन है। इस कंडक्टर को हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है, फोल्ड करके एक रिंग शेप का बना दिया है। अब हमारे पास लाइन ऑफ फ्लक्सेस को एज इट इज़ बनाना है हमें, ये देखिए तो आप यहां से एक चीज नोट कर पा रहे हैं, जब यहां पर करंट इस डायरेक्शन में है तो हमारे पास फ्लक्स लाइनें किधर को जा रही है, ये हमारे पास इस तरफ से अंदर की ओर जा रही है, यानी कि यहां से अंदर की ओर। और जब करंट की डायरेक्शन इस तरफ है तो ये देखिए
यहाँ से ये इस तरफ को जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों तरफ से जो एक लूप बनता है, उस लूप की वजह से दोनों तरफ से जो करंट का इफेक्ट आ रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पर N और S पोल का जो कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ से फ्लक्स लाइनें निकलती हैं वो N पोल होता है और जहाँ पर एंटर करती हैं वो S पोल होता है। तो अगर आप इसको, इस रिंग को आप थोड़ा सा सीधा कर लें, ऐसे करके हम इसको ऐसे दिखा लेते हैं थोड़ा, ये अगर आपने इसको ऐसे टिल्ट कर लिया है, अब आप पहले तो आप फ्रंट से देख रहे थे, अब इसको साइड से देख रहे हैं, तो अब करंट की डायरेक्शन ऐसे करके ऐसे थी और हमारे पास अब यहाँ से जो फ्लक्स लाइनें हैं वो किस तरफ जा रही हैं, हमने ये इसको ऐसे मोड़ दिया है, तो यानी कि फ्लक्स लाइनें कहाँ से जा रही हैं, इस तरफ से अंदर को जा रही हैं और इस तरफ से भी अंदर को जा रही हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, इसका एन पोल और इसका एस पोल ऐसे होगा। तो यानी कि फ्लक्स लाइनें कैसे हो रही, आप सिंपल डायरेक्शन ऑफ फ्लक्सेस देख सकते हैं। तो ये जो है कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जब हम किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करते हैं, दैट मीन्स वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, यानी कि एक लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। और यहाँ पर एक नंबर ऑफ टर्न हमारे पास है, और अगर हमें इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और बनाना है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ाते चले जाते हैं, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते चले जाते हैं उसी के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ती चली जाती है, यानी कि उतनी ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास मैग्नेट बनती चली जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आगे मशीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको आप आगे और पढ़ेंगे जाएगा कैसे हम फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ मशीन। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बेसिक है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। सो आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में आपसे जल्दी मिलेंगे। होप आपको वीडियो तो पसंद आ ही रही होंगी, और अगर पसंद आ रही है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये हर एक उस कैंडिडेट, उस बच्चे तक पहुंच पाए जो रियलिटी में पढ़ना चाहते हैं और किसी एक बहुत अच्छे एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। और आपको पता है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि SSC एक खुद में ही बेंचमार्क है, अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आपके ऑलरेडी सारे एग्ज़ाम क्लियर होने वाले होते हैं। आपने अगर SSC के लिए प्रिपेयर कर लिया होता है तो आप सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में हो जाता है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की अपडेट पहुँच जाए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।